हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। ये मेरे घर का वीडियो है, मैं आपको मेरा घर दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो मुझे पहले ही बनाना था लेकिन टाइम नहीं मिला, तो मैंने आज ये वीडियो बनाई है। मैं US के मिनेसोटा स्टेट में रहती हूँ और यहाँ पे कॉलोनी अपार्टमेंट्स करके है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं और इंडिविजुअल टाउन होम्स है, और मेरा घर जैसे कॉन्डो कहते हैं तो वैसे टाइप का है। तो ये डुप्लेक्स है, नीचे कोई और रहता है, हम लोग ऊपर रहते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो चलो देखते हैं मेरा घर। मैं आपको मेरा घर दिखाती हूँ। तो यहाँ नीचे एक घर है और स्टेप से ऊपर जाके ऊपर मेरा घर है। ऊपर चलते हैं। यहाँ स्टेप से ऊपर आते ही ये मेरा घर है। ओके, तो पहले घर के अंदर चलते हैं। त्रिशा वेट कर रही है हमारा। हेलो, सी हाय। तो अंदर आते ही यहाँ पे राइट साइड में एक क्लोसेट है, वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा का थोड़ा सामान वो ये है। घर के अंदर आते ही ये सामने पैसेज दिख रहा है और यहाँ से फर्स्ट राइट यहाँ पे मेरा किचन है। तो ये किचन आइलैंड है, इस साइड ही बर्नर है मेरा और उस साइड मैंने बाकी सारे अप्लायंसेस और डिशवॉशर, सिंक और कैबिनेट्स है उस साइड। इस घर में एक अच्छी बात है कि यहाँ पे चिमनी है, तो खाना बनाते वक्त कोई भी धुआं नहीं होता चिमनी ऑन रखो तो। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि विंटर में पूरा स्नोफॉल होता है, तो 6 to 7 months पूरा ठंडा रहता है, तो घर खोल नहीं सकते, तो वेंटिलेशन का कोई चांस नहीं है। और फिर अंदर का धुआं बाहर भी नहीं जा सकता, तो ये चिमनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन और वो है यहाँ पे। फिर उसके सामने ही डाइनिंग एरिया है। मैंने एक साइड में भगवान जी का छोटा सा मंदिर जैसा किया है, वहाँ पे नीचे भगवान जी का सामान रहता है पूरा, और ऊपर मैंने मूर्ति वगैरह जो फोटोज़ वगैरह है वो लगा के रखे हैं। और ये डाइनिंग टेबल, यहाँ से ये जो डोर दिख रहा है ये बाहर के डेक पे खुलता है, ये जो डोर है वहाँ से हम अंदर आए हैं, वो जो स्टेप्स दिख रही है वहाँ से ऊपर आके हम लोग अंदर आए हैं। तो ये एक डोर है जो समर में काम आता है, क्योंकि समर के टाइम त्रिशा और हम लोग मैक्सिमम टाइम बाहर ही रहते हैं, डेक में बैठते हैं। तो अभी लॉक किया हुआ है, नीचे से एक रॉड भी रखा है तो मैं खोल नहीं पा रही, मैं बाद में दिखाती हूँ। तो वो डोर है, अब अंदर चलते हैं। फिर से हम सेम पैसेज में आए हैं, सेम पैसेज से सीधा जाओ तो अगेन राइट में एक डोर दिखता है, ये फर्नेस है। तो फर्नेस होता ये है कि घर में जो एसी चलता है, हीटिंग का जो भी प्रोसेस है, हीटर चलता है और गर्म पानी आता है, वो सारे काम इसी फर्नेस में होते हैं। तो अंदर आते ही ये है हमारा लिविंग एरिया, लिविंग रूम। यहाँ पे हमने सोफ़ा लगाया और नीचे भी एक एक्स्ट्रा कारपेट डाला है, जिसको नीचे बैठना है वो नीचे बैठ सकता है। ये रिक्लाइनर सोफ़ा है और कॉर्नर में ये जो रेड चेयर दिख रही है वो भी रिक्लाइनर चेयर है। तो ये सोफ़ा हो गया। ये त्रिशा के बर्थडे का डेकोरेशन वैसा ही है अभी तक। लास्ट ईयर त्रिशा के बर्थडे की थीम यूनिकॉर्न की थी, तो ये पूरा मैंने घर में ही बनाया था, ज़्यादा लोगों को भी इनवाइट नहीं किया था, तो घर में ही हमने सेलिब्रेट किया, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से कोई किसी से मिल भी नहीं रहा था, तो एक दो फ्रेंड्स को ही बुलाया था हमने। और
त्रिशा का ये चेयर एंड टेबल, त्रिशा की पढ़ाई वहीं पे चलती है और त्रिशा का वो बोर्ड है जिस पे उसने कुछ कुछ लिख के रखा है, ये त्रिशा ने कुछ कुछ किया है, एक्टिविटीज़ घर में बैठ के, ये सारे त्रिशा के फोटोज। ठीक है क्लोज द डोर। ये सेम पैसेज, ये मेन डोर जो सामने दिख रहा है। अब हम रूम में चलते हैं। तो ये जो पैसेज है वहाँ से लेफ्ट में जाते ही सामने वॉशरूम है, टब होता है यहाँ घर में, ये कॉमन है, यहाँ पे टब होता ही है, बाथ टब। फिर यहाँ पे ये एक और एक पैसेज जैसा है, ये दो बेडरूम और बाथरूम के यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं। ये है हमारी बेडरूम, अब तो ये कॉमन बेडरूम हो चुकी है। तुषार का लास्ट ईयर से, जब से घर से ऑफिस का काम चल रहा है तब से तुषार ने त्रिशा के रूम कैप्चर कर लिया है, तो त्रिशा का सारा सामान इसी रूम में आया है। और यहाँ सामने दूसरी बेडरूम है, पहले उसके पहले यहाँ पे एक कपबोर्ड है काइंड ऑफ। ये रूम तुषार के ऑफिस रूम है, यहाँ पे एक्स्ट्रा का सामान भी है बहुत कुछ, आयरनिंग टेबल और ये ट्रेडमिल। मैं त्रिशा के अभी फोर्थ बर्थडे का थोड़ा डेकोरेशन का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसी की वजह से ये सारा सामान दिख रहा है यहाँ पे। और मैं अब इस सेट से दिखाती हूँ, यहाँ पे एक ये क्लोज़ेट है, तो ये है त्रिशा का क्लोज़ेट, इसमें त्रिशा का सामान है। ये छोटी है बेडरूम कंपेयर टू अदर रूम, ये है दूसरी बेडरूम। तो बस आप मेरा घर देखना और बताना आपको कैसा लगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं आपको बाहर का डेक दिखा दी हूँ। यहाँ साइड में हमने सारी साइकिल्स लगा के रखी है, एक तुषार की, एक मेरी, त्रिशा की दो है, त्रिशा की स्कूटर है, पता नहीं क्या क्या बहुत सारा सामान है। ये त्रिशा का बचपन का स्ट्रोलर, और यहाँ पे हमने और एक कारपेट डाल के रखा है क्योंकि हम लोग समर में पूरा यहीं पे, जैसे मैंने पहले बोला कि हम लोग मैक्सिमम टाइम यहीं पे स्पेंड करते हैं क्योंकि एक तो बहुत गर्म होता है, तो अंदर एसी लगा के बैठने से अच्छा है कि बाहर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग समर में यहीं पर बाहर खाना वाना भी बाहर ही खाते हैं, शाम का चाय वगैरह यहीं पर बैठ के पीते हैं। तो ये एक रखा है कारपेट यहाँ पे है, और ये हमने सोफ़ा कम बेड है, ये जब हम US आए थे तब पहली बार हमने ये लिया था क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा सामान था नहीं, तो हमने उस टाइम पे ये लिया था।
लेकिन अब हम इसे यूज़ नहीं करते, तो हमने ये बाहर रखा है और ये बैठने के लिए यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे कोई चेयर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो डोर है जो मैंने आपको किचन से दिखाया था, ये डेक की तरफ बाहर खुलने वाला डोर है, तो यहाँ से भी हम अंदर जा सकते हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा सामान जो मुझे घर के अंदर नहीं रखना है, तो अभी वो नीचे जाके रखना है, वो मैंने बाहर ला के रखा है सारा सामान। और ये मैंने इस समर दो प्लांट्स लगाने की कोशिश की थी, दो फ्लावर के प्लांट्स, एक तो ठीक ही चल रहा है लेकिन दूसरे में हल्के हल्के से उसके लीव्स पे कुछ वाइट वाइट सा हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा गूगल करके विनेगर और पानी मिक्स करके उसके ऊपर स्प्रे किया, और मैंने देखा नहीं, वही स्प्रे की बॉटल त्रिशा ने पूरी की पूरी प्लांट के ऊपर डाल दी, उसको समझ नहीं आया और ये पूरा ही जल गया। अभी फिर से नया आ रहा है, देखते हैं, लेकिन अभी थोड़े ही दिन में विंटर भी शुरू होने वाला है, तो मुझे डाउट ही है कि वो फिर से आएगा। वो डेलिया का है और ये मिक्स फ्लावर्स असॉर्टेड, हाँ तो ये मिक्स फ्लावर्स का है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स है इसमें। ये एक पिंक दिख रहा है, ये है ये डार्क पिंक, और ये जो है छोटा सा ये वाइट फ्लावर्स है। मैं साइड से दिखाती हूँ, तो ये वाला, ऐसे तीन अलग अलग टाइप के फ्लावर्स आते हैं इसमें, और ये त्रिशा ने इसमें एक्वान ला के रखा है। और ये दूसरी साइड है, जो ऊपर आते ही सामने जो ग्लास दिखती है वही है, तो इसमें ये जो घर दिख रहा है ये सारे टाउन होम्स है, मतलब ये टू फ्लोर्स के टाउन होम्स है नीचे ऊपर, और उनको पीछे की साइड ना ये दिया है पैटियो, और ये बीच में बारबेक्यू के लिए रखा है एक ग्रिल और बेंचेस लगा के रखे हैं। तो ये हो गया अपना डेक, और ये जो सामने दिख रहा है ये है डोनाल्डसन पार्क, तो ये बहुत बड़ा पार्क है। सामने ये जो दिख रहा है ये बेसबॉल कोर्ट है, यहाँ पे मैचेस चलती रहती है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा पोल भी है जिसपे लाइट्स लगे हुए हैं, तो रात रात भर मैचेस चलती है, फुल लाइट लगा लगा के, मतलब बहुत सारी पब्लिक होती है, सारी गाड़ियाँ बहुत लगी हुई रहती है रोड पे। तो ये डोनाल्डसन पार्क है, अभी यहाँ से इतना ही दिख रहा है लेकिन मैं बाद में दिखाऊंगी। ये जो दिख रहा है ये बास्केटबॉल कोर्ट है, कोई खेल रहा है वहाँ पे, यहाँ से हम देख सकते हैं ये कोई खेल रहा है, तो वो बास्केटबॉल कोर्ट है। वैसे ही टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल के लिए है, और बैडमिंटन कोर्ट है, तो है वैसे तो बहुत कुछ है वहाँ पे, और फुटबॉल के लिए भी नीचे की साइड है, और बीच में बच्चों के लिए जैसे अपने स्लाइड्स रहते हैं, स्विंग्स रहते हैं, वो सब प्ले एरिया बच्चों के लिए बना के रखा है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि मेरी सोसाइटी में वन बेडरूम अपार्टमेंट्स, टू बेडरूम अपार्टमेंट्स, और टाउन होम्स और कॉन्डोज, ऐसे अलग अलग टाइप के घर हैं, तो मेरी पूरी सोसाइटी का मैं एक वीडियो बनाऊँगी, और जो सामने डोनाल्डसन पार्क है उसका भी मुझे वीडियो बना के आपको आपके साथ शेयर करना है, तो वो वीडियोस भी मैं जल्दी बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जितना शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।